मैडम निकल जाता तो आज क्या कहेंगे चेयरमैन उसके हम को दिवाली की तरफ से बहुत बड़ी मुबारक देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को दिवाली की मुबारक देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ दीपावली हर किसी के घर में खुशियाँ लाए और आज जो हमारे लिए हम हिंदू परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है ये
बहुत अच्छा। सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं दिल की गहराइयों से पूरे देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में, दुनिया में किस तरह दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह अयोध्या में जैसे राम जी का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर राम जी का बन रहा है, वहाँ पर 21 लाख दिए जलाकर दिवाली मनाई जा रही है। सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगली जो दिवाली होगी राम जी के भव्य मंदिर के अंदर दिवाली होगी, अयोध्या के अंदर। जय श्री राम। हमने बड़ी जोरदार से लोगों का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो हर साल आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले पूंछ की आवाम को, जम्मू कश्मीर की आवाम को और पूरे भारतवासियों आज के इस बड़े दिन दिवाली अपनी ओर से और अपने आजाद जान साहब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ये त्यौहार जैसे पूरे हिंदुस्तान में जो है खुशियों के साथ मनाया जाता है, सबसे बड़ा त्यौहार जो है हिंदुस्तान का जो है पूरे धूमधाम से पूरे खुशियों के साथ मनाया जाता है। मैं ऊपर वाले से यही जो है अरदास करता हूँ कि आगे भी ऐसा त्यौहार जो है हमें हर साल जो है मनाने के लिए। नमस्कार, मैं सोनिया जट्टा पुन से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि बताया जाता है कि दिवाली का त्यौहार है जो धनतेरस से स्टार्ट होता है और भाई दूज तक ख़त्म होता है, तो इस त्यौहार को मतलब हम लोग बहुत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये त्यौहार मतलब सबके जीवन में खुशियां लाता है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे, उसी के रूप में हम ये दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। मैं आप सबको यही कहूँगी कि मेरी तरफ से और सोनू गोल्डस्मिथ एंड मंजोल ज्वेलर्स की तरफ से आप पूरे पुंछ को, पूरे भारतवर्ष को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।